गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने कैपेसिटेंस शुरू कर दिया था, आज हम करेंगे कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। ओके, कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, तो देखो कैपेसिटेंस और कैपेसिटर में क्या डिफरेंस है। कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है बेटा, और कैपेसिटेंस क्या है? एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, उस अरेंजमेंट का इफेक्ट। कैपेसिटर तो क्या है? एक अरेंजमेंट है चार्ज को स्टोर करने के लिए, और जो कैपेसिटेंस वो क्या है? वो उस अरेंजमेंट का इफेक्ट है। ठीक है, तो देखो कैपेसिटर क्या होता है, इट इज द अरेंजमेंट टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इन ए स्मॉल स्पेस। ठीक है बेटा, तो कैपेसिटर क्या है? एक अरेंजमेंट है। क्या करने के अरेंजमेंट? चार्ज को स्टोर करने के अरेंजमेंट। अब देखो चार्ज स्टोर हो गया तो ऑब्वियस है कि भाई चार्ज के साथ कुछ एनर्जी भी स्टोर ही होगी। तो कैपेसिटर क्या है? एक अरेंजमेंट है इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने की। ठीक है ना, तो कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट या इज द अरेंजमेंट टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इन ए स्मॉल स्पेस। अब बेटा जो कैपेसिटर वो किस पे डिपेंड करती है, जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है कि भाई शेप कैसी है कैपेसिटर की। ठीक है, अब कैपेसिटर की शेप क्या है? अलग अलग हो सकती हैं, सिलेंड्रिकल शेप भी हो सकती है, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर भी है। ठीक है, बटन टाइप कैपेसिटर भी, अलग अलग शेप के कैपेसिटर आपने देखे होंगे सर्किट के अंदर कभी, जैसे कोई टीवी ट्यूब का सर्किट बाहर देखा हो या रेडियो का सर्किट देखा हो, उसमें छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं। और कैपेसिटर जैसे आपने कंडेंसर भी बोल देते हैं इसको, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर भी देखा होगा। ठीक है ना, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर होती है ना अपनी, जो घरों में जो आटा चक्की वगैरह ये चलाने के लिए या चारा काटने वाली मशीन चलाने के लिए जो होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर, तो उस मोटर के अंदर एक सेल टाइप कुछ लगा होता है ना, उसको बोलते हैं कंडेंसर या कैपेसिटर, वो सिलेंड्रिकल टाइप कैपेसिटर है। ठीक है बेटा, तो कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को या एनर्जी को स्टोर करता है। जैसे ही हम बटन ऑन करते हैं, मान लो इलेक्ट्रिक मोटर का बटन ऑन किया, तो वो क्या है, एकदम से ज़्यादा एनर्जी देगा। ज़्यादा एनर्जी देगा तो झटके से वो मोटर क्या है, मूव करना शुरू कर देगी। अगर मान लो कैपेसिटर ख़राब है तो वो मोटर इतने झटके से मूव नहीं करेगी, वो क्या हो जाएगी, वैसे ही आवाज़ आएगी, हमें हिलाना पड़ेगा उसको चलाने के लिए। तो इसलिए कैपेसिटर का काम क्या है, एकदम से ज़्यादा एनर्जी देना ताकि जो है मोटर वो एकदम से मूव कर जाए। कैपेसिटर का यूज़ अलग अलग है, आजकल डिजिटल मेमोरी में भी कैपेसिटर का यूज़ होता है। ठीक है ना, जो हमारे कंप्यूटर के मेमोरी हार्ड डिस्क वगैरह है उनमें भी कैपेसिटर का यूज़ होता है आजकल। ठीक है, तो कैपेसिटर है क्या? अरेंजमेंट है क्या करने की? चार्ज को स्टोर करने की। चलो देखो एक बार इसका प्रोसेस देखो बेटा कैसे है। मान लिया हमारे पास ये एक प्लेट है और इसको हमने इंसुलेट कर दिया, ये क्या है, इंसुलेटिंग पैड है। हमने इस प्लेट को क्या कर दिया, इंसुलेट कर दिया, और इस पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया। भाई चार्ज हम देते गए, अब इसकी कैपेसिटी ख़त्म होगी, मतलब और चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी क्या होगी, ख़त्म होगी। हम इस पे बार बार क्या कर रहे हैं, इसका वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं, इसको चार्ज दे रहे हैं, तो आगे इस पे और चार्ज जाना बंद हो गया, इसकी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो क्या होगी, ख़त्म होगी। ठीक है, अब अगर हम इसके पास एक दूसरी कंडक्टिंग प्लेट ले आए जो इंसुलेटिंग नहीं है, ठीक है, नीचे से इंसुलेट नहीं कर रखा, ऐसे ही रख दी,
तो अब क्या होगा, इस पॉजिटिव के कारण इस प्लेट के इस तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब जो ये नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव के इफेक्ट को क्या कर देगा, कुछ खत्म कर देगा। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के इफेक्ट को कुछ खत्म कर देगा, तो ये और चार्ज ले सकेगा। तो जैसे ही हमने ये प्लेट इसके बराबर में रखी, तो इस प्लेट के रखते ही इस चार्ज की कैपेसिटी इंक्रीज करगी, मतलब इस प्लेट की कैपेसिटी चार्ज को स्टोर करने की इंक्रीज करगी। क्यों इंक्रीज करेगी, हमने ये जब बराबर में रखी तो इस पे इस तरफ नेगेटिव इंड्यूस हो गया, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव के कारण इस तरफ कौन सा इंड्यूस हो गया, नेगेटिव, और दूसरी तरफ क्या हो गया, पॉजिटिव इंड्यूस हो गया। तो इस नेगेटिव ने इसके पॉजिटिव इफेक्ट को थोड़ा कम कर दिया, तो ये थोड़ा और चार्ज अब ले सकता है, तो इसकी कैपेसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब अगर हम इस प्लेट को अर्थ कर दें, यहाँ से अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो इस तरफ का सारा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, सारा कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। या हम ये कह सकते हैं कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब इसका एक तरफ का पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया, अब केवल नेगेटिव रह गया। इसका इफेक्ट और ज़्यादा पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है, तो ये इसको क्या है, और ज़्यादा न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब हम कह सकते हैं कि और ज़्यादा ये चार्ज लेगा, इसकी कैपेसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है ना, ठीक है बेटा, समझ में आया। तो हमने पहले क्या किया, एक प्लेट ली, उस पर चार्ज देते गए, उसको इंसुलेट कर रखा था, आगे उस पर चार्ज होना आना बंद हो गया, फिर हमने एक दूसरी प्लेट उसके बराबर में रख दी, इसकी कैपेसिटी थोड़ी और इंक्रीज कर दी करगी। अगर हम फिर इस प्लेट को अगर एक तरफ से क्या कर दें, अर्थ कर दें, तो इसकी कैपेसिटी क्या कर जाएगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, यही प्रिंसिपल है किसका, कैपेसिटर का। The capacitance of a conducting insulated plate, ठीक है ना, मतलब कंडक्टिंग तो है लेकिन नीचे से क्या कर रखी है, इंसुलेटेड कर रखी है। इंसुलेटेड प्लेट कैन बी इंक्रीज बाय पुटिंग अनदर अर्थड प्लेट नियर इट, कैन बी इंक्रीज्ड, इंक्रीजेज या कैन बी इंक्रीज्ड लिख लो, कैन बी इंक्रीज्ड बाय पुटिंग अनदर अर्थ प्लेट नियर इट। ठीक है ना, तो द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टिंग इंसुलेटिंग प्लेट या द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर लिख लो या कंडक्टिंग इंसुलेटिंग प्लेट लिख लो, कैन बी इंक्रीज्ड बाय पुटिंग अनदर अर्थ प्लेट नियर इट। इट is the principle of, it is the principle of capacitor, यही capacitor का क्या है, principle है। तो capacitor का principle क्या है कि भाई कोई conducting insulated plate या insulating conductor plate बोल सकते हो, कंडक्टिंग इंसुलेटिंग प्लेट की कैपेसिटी हम इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे, एक अर्थड प्लेट को उसके नज़दीक रख के। ठीक है, यही क्या है, कैपेसिटर का प्रिंसिपल है बेटा। ठीक है, अब जो सिंबल है कैपेसिटर का वो ये है भाई, और दो पैरेलल लाइंस इस तरह से, और अगर हम इन पैरेलल लाइंस को अगर ऐसे कट कर दें तो ये जो सिंबल है ये क्या है, वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है, ये सिंपल कैपेसिटर का सिंबल है, फिक्स कैपेसिटर बोल सकते हो। ठीक है, जैसे ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टर का,
और अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये क्या है, वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल है ना, तो इस तरह से ये कैपेसिटर का सिंबल है और ये वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है, ठीक है। और कैपेसिटर होता क्या है, ये एक अरेंजमेंट है, किसके लिए यूज़ की जाती है, इलेक्ट्रिक चार्ज या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। अब कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कैपेसिटी को, एक जो इंसुलेटिंग पैड पे रखी हुई हमारी प्लेट है उसकी कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, एक दूसरी प्लेट उसके नज़दीक रखेंगे और उसको अर्थ कर देंगे, तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी बेटा, ठीक है। चलो चलो आगे देखो, इसका यूज़ किस किस में होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में, कैपेसिटर का यूज़ किस में होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में। यूज ऑफ कैपेसिटर किस किस में यूज होता है भाई, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, डिजिटल मेमोरी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फैंस एटसेट्रा, या आप ये भी कह सकते रेडियो वगैरह, ये भी लिख सकते हो रेडियो एटसेट्रा, इन सब में इसका यूज होता है भाई कैपेसिटर का, ठीक है। और ये अलग अलग शेप के हो सकते हैं, इट कुड बी पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल इन शेप। वो जो शेप है वो हम देखेंगे कि भी हमें किस शेप के कैपेसिटर की ज़रूरत है, तो उसी टाइप के कैपेसिटर का हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलो आगे है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आगे है भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कौन से होते हैं, दीज आर दी मोस्ट कॉमनली यूज्ड, सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं कैपेसिटर्स, ठीक है ना। इट कंसिस्ट ऑफ पैरेलल थिन प्लेट्स सेपरेटेड बाय ए डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल थिन प्लेट्स सेपरेटेड बाय ए डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या हो सकता है, कुछ भी, एयर, मिका एट्सेट्रा, कुछ भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से सेपरेट कर दिया जाता है। तो दो पैरेलल प्लेट हैं, थिन प्लेट, उनको सेपरेट किया है किससे, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, वन ऑफ देम इज इंसुलेटेड एंड अदर इज कनेक्टेड टू अर्थ। एक को हम इंसुलेट कर देते हैं और दूसरी को हम क्या कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से है भाई, देखो फिगर इसका, यह मान लो एक प्लेट है जो हमने क्या कर रखी है,
इंसुलेट कर रखी है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है इसको। ठीक है भाई। और ये दूसरी प्लेट है जो हमने अर्थ से कनेक्ट कर रखी है, इस पे नेगेटिव इस तरफ इंड्यूस हो जाएगा और दूसरी तरफ कौन सा इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव किस में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा भाई। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भाई पॉजिटिव से नेगेटिव होगी ना अंदर की तरफ, तो ई मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान लो, जैसे ई। ठीक है, ये मान लो प्लेट वन है, ये प्लेट टू है, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, माइनस सिग्मा है। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हमने मान लिया। अब ये बताओ जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। क्यों जीरो होगी भाई, देखो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला, पैरेलल प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी भाई, जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये इस पे सिग्मा है, इस पे भी मान लो सिग्मा है, केवल हम किसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, वैसे इस पे प्लस सिग्मा और इस पे क्या होगा, माइनस सिग्मा होगा। तो हमने प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट आई थी। ठीक है, तो इसके कारण भी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट आएगी। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण, इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना और इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज होगी भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस नेगेटिव के कारण टुवार्ड्स दी चार्ज होगी। ठीक है, तो इन दोनों की इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण यहां पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ई डैश मान लो, जैसे ई माइनस ई क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है ना, यहां पे क्या हो जाएगी, ई माइनस ई क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो इसमें देखो टुवार्ड्स द चार्ज जारी है और पॉजिटिव के कारण अवे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, ई जीरो हो जाएगी। अगर केवल बीच की बात करें तो बीच में ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ मिलेगी भाई। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बीच में ही मिलेगी, यहाँ पे ई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, केवल बीच में ही कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि देखो पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव की तरफ तो ये ऐड हो जाएंगे दोनों। ठीक है ना, पॉजिटिव से तो अवे और नेगेटिव की तरफ तो ये क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट वन एंड माइनस सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट टू। प्लेट वन पे हमने क्या मान लिया, प्लस सिग्मा, और प्लेट टू पे क्या मान लिया, माइनस सिग्मा मान लिया भाई। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द प्लेट्स ऑफ द सिस्टम, लिख लो पूरा या अरेंजमेंट लिख लो, ऑफ द अरेंजमेंट विल बी जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, अरेंजमेंट की लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी, वो मैंने अभी डिस्कस किया था कि देखो पॉजिटिव से अवेज आएगा नेगेटिव की तरफ, तो अपोजिट साइड हो जाए, साइन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, टोटली जीरो। इसी तरह से यहाँ से पॉजिटिव से अवे नेगेटिव की तरफ, तो अपोजिट हो जाएंगे दोनों जीरो। यहाँ पे क्या है, देखो पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव की तरफ, तो इसमें दोनों जुड़ जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें केवल बीच में मिलेगी। ठीक है ना, विल बी जीरो। फिर सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी बिटवीन द
प्लेट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, प्लेट्स के बीच में हो जाएगी, और वो कितनी होगी, ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, देखो दोनों ऐड होंगे ना, तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल मिला के सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा भाई, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी, और डी मान लिया सेपरेशन है भाई दोनों प्लेट के बीच में, डी क्या है दोनों बीच के प्लेट के बीच की डिस्टेंस, लेट डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो हमने प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी मान ली, डी मान ली। सो अब ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वी किसके इक्वल होता है, ई इंटू डी के बराबर होता है, ई की वैल्यू क्या है, ई इज इक्वल टू हमारे पास है क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर मान लो जैसे, और वी होता है हमारे पास होता है क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी, तो अगर हम ई को डी से मल्टीप्लाई कर दें, ई को डी से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी, वी की वैल्यू आ जाएगी, तो वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए इंटू डी है भाई, ठीक है, तो वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए इंटू डी, तो विच इंप्लाइज वी इज इक्वल टू ई की वैल्यू अभी निकाली थी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है भाई। अब एज सी इज इक्वल टू, अभी हमने पहले सी की वैल्यू निकाली थी, Q इज इक्वल टू क्या आया था, सी वी आया था, तो C इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, Q बाई वी, ठीक है, तो C इज इक्वल टू हमारे पास है Q बाई वी, तो इसमें पुट कर दो, विच इंप्लाइज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V की वैल्यू ये रही सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डी है ना, क्यू बाई वी था ना, तो क्यू बाई सिग्मा और एप्सिलॉन डी भी नीचे और एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, क्यू बाई वी मतलब क्यू इंटू सिग्मा डी एप्सिलॉन नॉट डी, तो सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो भाई यहाँ पे, तो विच इंप्लाइज सी इज इक्वल टू हमारे पास क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया इंटू डी, अब ये एरिया ऊपर जाएगा क्यू से क्यू कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया भाई, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये है भाई हमारे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला, ठीक है। दोबारा देखो, देखो भाई हमने क्या लिया, एक प्लेट ले ली, दूसरी प्लेट उसके बराबर में रख दी, कितने सेपरेशन पे रख दी, डी सेपरेशन पे रख दी, पहले प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दूसरे की माइनस सिग्मा, ठीक है। अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इधर जीरो होगी, केवल बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, बीच वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई हमारे पास, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बीच वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई हमारे पास, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डी सेपरेशन माना था, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ई इंटू डी, वह मैंने करके दिखाया था भाई, पोटेंशियल क्या आएगा हमारे पास, ई इंटू डी आएगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू, ई की वैल्यू कितनी थी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल। अब ये बताओ कैपेसिटेंस कितनी होती है, क्यू बाई वी, हम कल निकल लास्ट लेक्चर में हमने निकाल लिया था, तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो अब V की वैल्यू पुट कर दो, V की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो सिग्मा बाई डी नीचे एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में था वो ऊपर चला जाएगा, तो Q इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू डी। अब सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है Q बाई ए, तो Q इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई Q बाई ए इंटू डी, Q से Q कट गया, A ऊपर चला गया, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कैपेसिटेंस आ गया। तो हम कह सकते हैं भाई कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो मीडियम पे, ठीक है, और एक एरिया पे, और एक सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स पे। सो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स बिटवीन द प्लेट्स ठीक है. इट आल्सो डिपेंड्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम भाई. ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसकी कैपेसिटेंस. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे. थैंक यू वेरी मच.